नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड के बारे में। जानेंगे कि आईवी फ्लूइड होता क्या है। जैसे आप सभी ने देखे होंगे कि हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप का आईवी फ्लूइड यूज होते हैं, जैसे एनएस, आरएल, डी5, डी10। इस तरह का डिफरेंट टाइप्स का आईवी फ्लूइड यूज किए जाते हैं। पर क्या आपको पता है आइसोटोनिक किसे बोलते हैं, हाइपोटोनिक किसे बोलते हैं एंड हाइपरटोनिक किसे बोलते हैं, या फिर हमारे बॉडी में फ्लूइड का मूवमेंट कैसे होता है, इन सभी के बारे में क्या आपको पता है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, बेसिक से हाई तक जानेंगे कि हमारे बॉडी में किस तरह से मूवमेंट होते हैं और कौन से फ्लूइड को कब यूज करते हैं, किस पेशेंट में देते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, पीडियाट्रिक हो, एमएसएन हो, ऑल सब्जेक्ट नर्सिंग का आपके इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो आईवी फ्लूइड जानने से पहले कुछ बेसिक चीज जानना जरूरी है कि जैसे हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कितना होता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो जैसे बच्चे में अलग अमाउंट में होते हैं, एडल्ट्स में अलग अमाउंट में होते हैं, और जो ओल्डर एज के जो पर्सन होते हैं उनमें अलग अमाउंट में फ्लूइड पाए जाते हैं। तो जैसे कि यहां पर बोला गया कि जो एडल्ट में 60% ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑफ टोटल बॉडी वेट, कि अगर कोई एडल्ट पर्सन है, जैसे एडल्ट पर्सन का वेट 70 kg माना जाता है, तो जो एडल्ट पर्सन है उसका जितना वेट है टोटल वेट, उसके 60% उसके बॉडी में क्या पाए जाते हैं, फ्लूइड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर 70 kg है तो हम कैसे 60% मतलब निकालेंगे। तो सबसे सिंपल क्या करेंगे, 70 kg into 60% है ना, तो ये कर दिए, तो यहां से 1071 यहां से ये, यानी जो पर्सन के जो बॉडी में टोटल फ्लूइड कितने पाए जाएंगे, 42 kg पाए जाएंगे, या फिर सिंपल से बोलते हैं 42 लीटर पाए जाएंगे। ये क्या हो गया आपका एडल्ट में। बात करते हैं उसी तरह से इन्फेंट्स में, कि इन्फेंट्स का टोटल बॉडी वेट के 80% बॉडी 80% जो वेट है वो क्या पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं। ओल्ड में 50% पाए जाते हैं, जितने उनके वेट हैं उनका 50% बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि जब डायरिया का कंडीशन हो या फिर कोई डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया हो, तो उस चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत किन में देखने को मिलता है, तो ज्यादातर ओल्ड एज वाले और इन्फेंट्स में यह देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं कि बॉडी के क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितना पार्ट सॉलिड पाया जाता है और कितना पार्ट फ्लूइड पाए जाते हैं। तो हमने बॉडी को दो पार्ट में क्लास किया, सॉलिड पार्ट 40% होते हैं एंड फ्लूइड कितने होते हैं, 70% होते हैं। अब जो फ्लूइड पार्ट्स है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया, कि फ्लूइड है वो 70% क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड पाया जाता है, यानी जो सेल के अंदर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर बोलते हैं। तो इसका जो 60% है उसका 70% कहां पाया जाता है, जो यानी इसका 2/3% जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे जो पर्सन का 60% कितना आया था, 42 kg आया था यहां पे, तो 42 kg इंटू 2/3, तो यहां से आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 लीटर इनका इंट्रासेलुलर में जो फ्लूइड है वो पाए जाएंगे। बात करते हैं सेकंड, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। जैसे इस तरह से जो सेल है, मानिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सेल है, तो इसके बीच में इस साइड में जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसका ये बताया गया कितना होता है, 30%, यानी 1/3 इसका होता है। अब बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसमें इंटरस्टेशियल फ्लूइड पाए जाते हैं, सेकंड इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड पाए जाते हैं एंड थर्ड नंबर इज ए ट्रांस सेलुलर फ्लूइड पाए जाते हैं।
बात करते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड, किसे बोलते हैं कि जब दो जब सेल के बीच में फ्लूइड जो पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया। बात करते हैं इंट्राभास्कुलर फ्लूइड के बारे में कि जो वेसल्स हैं उनके बीच में जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसके अंदर में उसे बोलते हैं इंट्राभास्कुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो कि 6% होते हैं। बात किया गया थर्ड के बारे में, ट्रांससेलुलर फ्लूइड के बारे में कि जो कैविटी या फिर दो ज्वाइंट के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ट्रांससेलुलर बोलते हैं, वहीं पे ये फ्लूइड पाया जाता है, तो यह 2% होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने क्लासिफाई किया कि हमारे बॉडी में कितना अमाउंट में फ्लूइड कहां पर पाया जाता है। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर दे रहा हूं कि जो हमारे बॉडी है ह्यूमन बॉडीज में एडल्ट में 60% टोटल वेट के 60% फ्लूइड पाए जाते हैं, फिर इन्फेंट्स में जो टोटल वेट है बेबी का उससे 80% बॉडी में फ्लूइड पाए जाते हैं, उसी तरह से ओल्ड में जो ओल्ड पर्सन का जो टोटल वेट है उससे 50% क्या है पूरे जो फ्लूइड की मात्रा पाए जाते हैं। फिर मैंने बात किया कि जो बॉडी है उसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, 40% सॉलिड माना गया एंड 60% फ्लूइड माना गया। उसमें से बताया गया कि जो 60% फ्लूइड में 2/3 पार्ट्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड पाए जाते हैं और जो 1/3 पार्ट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर में बताएगा कि इंटरस्टेशियल फ्लूइड पाए जाते हैं, यानी दो यानी सेल के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको इंटरस्टेशियल फ्लूइड बोलते हैं और इंट्राभास्कुलर जो वेसल्स के इनसाइड में अंदर में पाया जाता है उसको इंट्राभास्कुलर फ्लूइड बोलते हैं और ट्रांससेलुलर जो क्या ज्वाइंट या कैविटी के बीच में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं आईवी फ्लूइड्स की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसे लास्ट तक देखें, मैं आपको एक एक चीज आपको बताऊंगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना। तो जानते हैं आईवी फ्लूइड होता क्या है। तो बोला गया आईवी फ्लूइड थेरेपी कंसिस्ट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ क्रिस्टोलाइड एंड कोलाइड्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बोला गया कि आईवी फ्लूइड क्या है, तो आईवी फ्लूइड दो चीज का इन्फ्यूजन है, पहला क्रिस्टोलाइड एंड कोलाइड या फिर ये दोनों ही रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आईवी फ्लूइड बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के क्लासिफिकेशन के बारे में कि आईवी फ्लूइड्स को दो प्रकार में क्लासिफाई किया गया, सबसे पहला क्रिस्टोलाइड एंड दूसरा बात करते हैं कोलाइड्स। क्रिस्टोलाइड के सब टाइप्स होते हैं जैसे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। बात करते हैं कि किसके बारे में, कि क्रिस्टोलाइड के बारे में कि इसके जो हाइपरटोनिक कहेंगे किसको, तो हाइपरटोनिक उसे कहते हैं कि जब टोनसिटी ऑफ फ्लूइड इज मोर देन ब्लड, कि जो फ्लूइड का जो टोनसिटी होगा वो क्या होगा, ब्लड से ज्यादा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग हाइपर टोनिक बोलते हैं। और जो बात करते हैं कि ब्लड का जो टोनसिटी होता है वो 270 से 310 मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर होता है। ऑस्मोलिटी या फिर टोनसिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो थिकनेस, अगर ब्लड से ज्यादा थिक होगा तो इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, अगर ब्लड से कम थिक होगा तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। जैसे कि बोला गया कि टोनिसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन ब्लड, अगर टोनिसिटी ब्लड से लेस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। और बोला गया आइसोटोनिक के बारे में कि अगर ब्लड के इक्वल टू ही फ्लूइड का अगर टोनसिटी रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है कि जो हाइपरटोनिक होता है उसमें आते हैं NS3% 5% एंड DNS, ये सभी किसका एग्जांपल है, हाइपरटोनिक का एग्जांपल है। सेकंड बात करते हैं किसके बारे में, आइसोटोनिक के बारे में, तो आइसोटोनिक का एग्जांपल क्या हो गया, एनएस 0.9%। एंड द लास्ट वन इज क्या बोला गया कि एनएस 0.4% क्या चीज का एग्जांपल है, हाइपोटोनिक का एग्जांपल है। हमेशा याद रखिएगा ब्लड का डेंसिटी टोनसिटी बार बार पूछ देता है कि ब्लड का टोनसिटी कितना होता है, 270 टू 310 मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बिना देर के हुए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। कोलाइडल्स का इसमें एग्जांपल दिया हुआ अल्बुमिन, डेक्सट्रिन, गेलाटीन एंड स्टार्च।
तो चलिए इन सभी के बारे में करते हैं, क्रिस्टलॉइड फ्लूइड के बारे में। तो क्रिस्टलॉइड फ्लूइड किसे बोला गया कि क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो क्या बोला कि क्रिस्टलॉइड फ्लूइड है या किससे बना हुआ था, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर यह बना हुआ होता है। इट कैन बी क्रॉस द सेमी परवेयबल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, सेमी परवेयबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मानिए ये क्या है, कंटेनर है, ठीक, इसको बीच में क्या रहा है, सेमी परवेयबल मेम्ब्रेन रख दिए, ठीक। अब इस साइड में क्या किए हम लोग, क्रिस्टलॉइड है जो सोल्यूशन था उसे हम लोग यहाँ पे रख दिए। तो ये क्या होगा कि क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन है धीरे धीरे इस साइड में पास आउट हो जाएगा और इस साइड में भी आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रॉस करना बोलते हैं, यानी वन साइड से दूसरे साइड में भी आ जाना रिस रिस कर। अब बात करते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में कि आइसोटोनिक किसे बोलते हैं। तो बोला गया कि आइसोटोनिक फ्लूइड कंटेन इक्वल सॉल्यूट एंड इक्वल सॉल्वेंट। मैंने अभी बताया था आइसोटोनिक के बारे में, हाइपोटोनिक के बारे में एंड हाइपरटोनिक के बारे में। तो सबसे पहले इसे समझने से पहले सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये तीनों को जानना जरूरी है। जैसे कि ये मानिए कंटेनर है, ठीक, ये क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक। और इसमें जो चीज को अगर घोलना है, मानिए कि अगर हमें क्या है, शुगर को हम घोलना है, किसको घोल रहे हैं, शुगर को। तो जिससे हम घोलते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जिस चीज में घुलता है, किसमें घुल रहा है, वाटर में घुल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉल्यूशन होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक केमिस्ट्री था जो मैंने बताया। तो यहां पर आइसोटोनिक क्या बोला गया कि अगर हम 500 ml अगर हम क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो कितना लेना चाहिए, 500 ml ही क्या है, वाटर अगर ले रहे हैं और ये दोनों में अगर हम दोनों को घुला रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे, यानी सॉलिड इक्वल टू सॉल्वेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कौन कौन आता है, NS आता है, RL आता है, D5W आता है एंड आइसोलाइट P आता है। जो आइसोलाइट पी है या पीडियाट्रिक जो जो स्मॉल बेबी होते हैं उनमें यह यूज किया जाता है। जैसे जनरली हम लोग एडल्ट में NS यूज करते हैं, उसी तरह से जो पीडिया के पेशेंट होते हैं उनमें हम लोग आइसोलाइट पी यूज करते हैं। तो इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। बात करते हैं सबसे पहले अभी एक एक करके बात करते हैं नॉर्मल सलाइन के बारे में, जो इसमें 0.9% या फिर NS के नाम से भी जाना जाता है, NS 0.9% भी बोलते हैं। यह कैसा है, यह आइसोटोनिक फ्लूइड है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन NS 0.9 इज द व्हिच टाइप ऑफ फ्लूइड, कि NS 0.9 है वो किस प्रकार का फ्लूइड है, तो आइसोटोनिक फ्लूइड है। सेकंड बात करते हैं ऑस्मोलरिटी के बारे में कि ऑस्मोलरिटी कितना होता है, 308 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता है। ऑस्मोलरिटी कहने का मतलब थिकनेस, कि कितना थिकनेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमेशा पूछा जाता है कि NS 0.9 का ऑस्मोलरिटी कितना होता है, तो 308 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता है। इसमें दो कंपाउंड पाए जाते हैं, एक पहला Na सोडियम, दूसरा क्लोराइड, दोनों 154 ऑस्मोलरिटी दोनों इतने इतने अमाउंट में पाए जाते हैं। बात करते हैं NS का pH, बार बार पूछा जाता है, तो NS का pH कितना होता है, 6.0 होता है। NS का pH कितना होता है, 6.0 होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइड होता है। अगर ज्यादा मात्रा में अगर हम किसी पेशेंट को NS हम चढ़ा देते हैं तो जिसके कारण से क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। क्या देखने को मिलता है पेशेंट में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। बात करते हैं यूजेस के बारे। अगर एक चीज और मैं पूछ रहा हूं, 2019 में यह क्वेश्चन आया था कि जो अगर हमको क्या बनाना है, घर में NS बनाना है, 0.9% है जो NS है वो घर में बनाना है, कितने में, 500 ml हमको बनाना है। कितना, 500 ml को हमको क्या बनाना है, 0.9% NS बनाना है। तो इसको में हम कितना हम लोग ग्राम NaCl यानी हम लोग साल्ट डालेंगे, जिसके बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन भी दिया था 9 ग्राम, 0.4 ग्राम, 4 ग्राम, 4.5 ग्राम, इस तरह से ऑप्शन दिए थे। तो इसमें क्या होगा जो जल्दी से बताएं कि अगर हमें होम घर में
अगर हमें नॉर्मल सलाइन बनाना है 500 ml का, तो हमें कितना ग्राम NS डालना है? तो इसको सिंपल बनाने के लिए कितना पोरा है बनाने के लिए 500 ml, कितना परसेंट पोरा है 0.9% और क्या बनाना है, तो परसेंटेज को नीचे ले आओ 100 को। अब इसको क्या बनाना, कितना परसेंट, कितना ग्राम हम क्या डालेंगे, अब कितना ग्राम हम लोग साल्ट डालेंगे जिसके बारे में पूछा था। तो यहां से दो जीरो से दो जीरो यहां खत्म, 9.45 यानी 4.5 ग्राम हम लोग 500 ml पानी में हम लोग 4.5 ग्राम क्या डालेंगे, साल्ट डालेंगे, जिससे क्या हो गया 500 हम लोग को क्या बन जाएगा, नॉर्मल सलाइन 0.9 NS बन जाएगा। तो ये घर पे तैयार करने के लिए बताया गया था, ये क्वेश्चन 2019 में आया था। बात करते हैं यूजेस के बारे में, कि इसका जो यूज करते हैं रिसक्सिटेशन या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ साल्ट लॉस, अगर किसी को साल्ट लॉस हो गया तो उस टाइप में हम लोग इसका यूज करते हैं। कंपेबिलिटी विथ PRWS, क्या बोला गया, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस टाइमिंग में, अगर उसके उस टाइमिंग में कोई भी फ्लूड नहीं यूज किया जाता है, बस सिर्फ हम लोग NS का ही यूज कर सकते हैं। बात करते हैं टू डायल्यूट ड्रग्स, जो ड्रग्स को डाइल्यूट करने में, चाहे कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम लोग नॉर्मल सलाइन 0.9 का ही यूज करते हैं। बात किया जाता है, एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो BCG वैक्सीन है उसको डाइल्यूट करने के लिए कौन से सलाइन फ्लूड का यूज करते हैं, BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए कौन से फ्लूड का यूज करते हैं, तो ये क्या चीज होगा, नॉर्मल सलाइन 0.9% है, उसी चीज का हम यूज करते हैं BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए। अब बात करते हैं फॉर एरिगेशन, अगर जैसे कि ब्लडर वॉश वगैरह करना हो तो उस टाइम में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, NS का यूज करते हैं। बात किया गया कि जब भी हम लोग यूरिन कैथेटर लगाते हैं तो उसमें जो बैलून होता है इसको इन्फ्लाम करने के लिए कभी भी NS का यूज नहीं करना चाहिए, का डिस्टिल वाटर का हमेशा यूज करना चाहिए। तो जब भी अगर क्वेश्चन आएगा कि कैन बी यूज दिस NS 0.9% इन यूरिनरी कैथेटर बैलून इन्फ्लाम, कि जो जो यूरिनरी कैथेटर बैलून है उसको इन्फ्लाम करने के लिए क्या हम 0.9% NS है उसका हम यूज कर सकते हैं, तो कभी भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, अगर ज्यादा देर तक लगे रहने के कारण से वह बैलून ब्रस्ट करने का भी चांसेज होते। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रिंगर लैक्टेट के बारे में, जिसको हम लोग RL के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं, इसको बोला गया, ये भी क्या है, आइसोटोनिक फ्लूड ही है, ये मोस्ट फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन, ये कैसा है, मोस्ट फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको मोस्ट फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन बोलते हैं। बात क्या गया, आल्सो नोन एज द हार्टमैन सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, विच फ्लूड्स इज कॉल्ड हार्टमैन सॉल्यूशन, कि हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से किस फ्लूड को जानते हैं, तो रिंगर लैक्टेट को हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसका जो ऑस्मोलरिटी होता है 278 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता है, NS का 308 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता था, जबकि यहां पर रिंगर लैक्टेट का जो ऑस्मोलरिटी होता है वो कम होता है, 278 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता है। इसका जो pH वैल्यू है वो 6.5 होते हैं, pH वैल्यू 6.5 होते हैं। इसका जो मोस्टली जो यूज किया जाता है, कोई भी फ्लूइड मेंटेनेंस थेरेपी में यूज किया जाता है, जैसे प्री ऑपरेटिव या फिर बर्न में, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मात्र वहां से अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो सिर्फ फ्लूइड ब्लड ही लॉस होगा, उसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो पाए जाते हैं फ्लूइड में वो सभी लॉस होते हैं। तो इसलिए हम लोग मेंटेनेंस के लिए RL चलाते हैं, क्योंकि RL में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पाए उससे कंबाइन करके बना हुआ होता है। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, कंपोजिशन ऑफ RL के बारे में थोड़ी देर में। बात करते हैं, इट कैन बी कॉल मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस ड्यू टू लैक्टेट इज कन्वर्टेड इंटू बाई कार्बोनेट बाई लिवर। देखो, ये जो मैंने बताया था कि जो NS था मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर रहा था,
लेकिन जो आरएल है वो क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कर दे रहा है, क्योंकि जो क्या है, जो आरएल है उसको क्या कर दे रहा है, जो लीवर है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसके कारण से क्या देखने को मिल रहा है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने को मिल रहा है। बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड लैक्टेट पोटेशियम कैल्शियम। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ आरएल, कि आरएल का क्या क्या कंपोजिशन है, ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो क्या क्या चीज है, सोडियम क्लोराइड लैक्टेट पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इन सभी को अगर आप कितना कितना पाया जाता है, तो सोडियम 131 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर, क्लोराइड 111 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर, लैक्टेट 29 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर, एंड उसी तरह से पोटेशियम 5 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर, कैल्शियम 2 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता है। इन टोटल को अगर आप सम करिएगा तो कितना आ जाएगा, 278 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर आएंगे। तो ये क्या है, कंपोजिशन है, आरएल का कंपोजिशन है। अब बात करते हैं आइसोलेट पी के बारे में। तो अगर पूछा जाएगा विच फ्लूइड इज मोस्ट मेंटेनेंस फ्लूइड इन पीडियाट्रिक, कि पीडियाट्रिक में फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए सबसे मोस्ट कॉमन क्या यूज किया जाता है, तो आइसोलाइट पी का यूज किया जाता है। बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रोलाइट एंड डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ये क्या है, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाया जाता है और साथ में डेक्सट्रोज भी पाया जाता है, यानी शुगर का भी पाया जाता है। ऑस्मोलरिटी की बात करें तो 369 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता है। हमेशा कि आइसोलेट पी का ऑस्मोलरिटी कितना होता है, 369 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता है। बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ आइसोलाइट पी के बारे में, तो इसका जो कंपोजिशन होता है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एसीटेट क्लोराइड एंड फॉस्फेट। फिर से बोल रहा हूं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एसीटेट क्लोराइड फॉस्फेट। हमेशा याद रखिएगा कि आइसोलेट पी है ओनली यूज इन पीडियाट्रिक, ये जो आइसोलेट पी है ये हमेशा सिर्फ किसमें यूज किया जाता है, पीडियाट्रिक में यूज किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 5% इन वाटर के बारे में, जिसको D5W बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि यह D5 और D5W दोनों अलग होते हैं। जो D5 होते हैं इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जबकि D5W को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मैंने बताया था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वली होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। तो यहां पे बात किया गया कि जैसे अगर जो D5 है तो क्या होता है कि अगर डेक्सट्रोज को 0.9 NS में अगर डिजोल्व कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, D5 बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, DNS के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब अगर हम लोग क्या करते हैं, जो डेक्सट्रोज 5% है अगर उसको नॉर्मल पानी में डिस्टिल्ड वाटर में अगर मिक्स कर देते हैं तो जिसके कारण से क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, D5W बोलते हैं। या D5W क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि डेक्सट्रोज में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं पाया जाता है और जो वाटर डिस्टिल्ड वाटर है उसको में भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। बात करते हैं आइसोटोनिक में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होने के कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पूछता है विच फ्लूइड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन, तो किसको बोलते हैं, D5W को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि D5 और D5W दोनों अलग है, D5 को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं जबकि D5W को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। बोला गया कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज को नॉर्मल अगर वाटर में डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम मिक्स करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, D5W बोलते हैं, जबकि अगर डेक्सट्रोज में नॉर्मल सलाइन 0.9 में ग्राम में अगर हम मिक्स करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, DNS बोलते हैं या फिर D5 के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं D5W के बारे में कि इसका जो ऑस्मोलरिटी होता है 277 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता है, और इसका pH की बात करें तो pH 4.5। डेक्सट्रोज 5% इन वाटर जिसको हम लोग D5W के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए
इन सभी के बारे में बात करते हैं जो पीछे में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर घर में किसी को 500 ml D5W बनाना है तो बताओ कितना परसेंट कितना ग्राम डेक्सट्रोज डालेगा। तो सिंपल से बनाने के लिए क्या करेंगे, 500 ml into क्या करेंगे, कितना परसेंट डेक्सट्रोज होता है तो 5% होता है, तो इसको by 500 कर देंगे और यहां से करेंगे 20 से 20 खत्म, यानी 25 ग्राम डेक्सट्रोज डालेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी पेशेंट को 500 ml D5W अगर देते हैं तो पेशेंट को कितना कैलोरीज मिलता है। कि अगर किसी पेशेंट को 500 ml D5W देते हैं तो पेशेंट को कितना परसेंट कैलोरीज मिलता है, जिसके बारे में बताना है कितना कैलोरीज मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम डेक्सट्रोज इक्वल टू 3.4 कैलोरीज होता है, और जस्ट हम लोग निकाले कि 500 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे 25 इंटू कितना कर देंगे 3.4 करेंगे, तो देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 को सुनना हाथ में 2 15 2 17 2 8 2 16 5 20, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 85 कैलोरीज, यानी अगर 500 ml हम D5W देते हैं तो कितना कैलोरीज में 85 कैलोरीज मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अगर जो D5W है अगर इसको बोतल में रखते हैं तो ये आइसोटोनिक होता है, और जब जैसे ही ब्लड हमारे बॉडी में चला जाता है तो ये हाइपोटोनिक हो जाते हैं, तो ये कैसे। तो यहाँ पे ये आंसर होगा कि जब बोतल में रहता है तो डेक्सट्रोज का वहां पर यूज नहीं हुआ होता है, तो इसलिए आइसोटोनिक जैसे है वैसे ही रहता है, लेकिन जैसे ही ये बॉडी में जाता है तो क्या होता है, डेक्सट्रोज को हमारा बॉडी यूज कर लेता है, जिसके कारण से सिर्फ वाटर ही बचता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में आज मैं इतना तक बात किया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरे रिव्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा और मैं बताऊंगा कि हमारे बॉडी में फ्लूड किस तरह से मूवमेंट करते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।